लेंस से पहले हमने रिफ्रैक्टिंग सरफेस किया. रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमने क्या किया, इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो किस्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, एक की कन्वेक्स और एक की कनकेव. तो अगर हम एक काम करें, एक सरफेस लेट अस सपोज कनकेव लेते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या थी, कनकेव, याद है. और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी क्या लेते हैं, कनकेव लेते हैं, कनकेव, ये भी क्या है, कनकेव. दो कनकेव सरफेस की रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर मिला दें तो क्या बनेगा, कनकेव लेंस. तो लेंस कुछ नहीं है, दो किस्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मिलाना एक लेंस बनाना. तो जैसे अगर आपके पास एक लेंस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी क्या है, कन्वेक्स, तो ये कौन सा लेंस बन गया, कन्वेक्स लेंस. तो लेंस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ क्या माना जाएगा, दो किस्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. और जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस कन्वेक्स कन्वेक्स, कनकेव कनकेव हो, ऐसा भी हो सकता है एक कन्वेक्स एक कनकेव हो, एक कनकेव एक कन्वेक्स हो. ऐसा भी हो सकता है एक प्लेन हो और दूसरा कनकेव हो, ऐसा भी हो सकता है एक प्लेन हो और दूसरा कन्वेक्स हो. तो इट मींस अगर आपको लेंस बनाना है तो आपको दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहिए, एक सरफेस तो पक्का आपको कन्वेक्स या कनकेव चाहिए ही चाहिए, और दूसरी सरफेस कन्वेक्स कनकेव भी हो प्लेन भी हो तो भी चलेगा. लेकिन दो सरफेसेस प्लेन नहीं चल सकती, क्योंकि अगर दो सरफेस प्लेन हो गई फिर तो प्लेन ग्लास हो गया, फिर लेंस कैसे बनेगा. तो लेंस कुछ तो डाइवर्ज या कन्वर्ज करे, तो एक सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स या कनकेव चाहिए और दूसरी कोई भी चलेगी. क्या ये पॉइंट क्लियर है. तो ये बेसिकली लेंस है. तो लेंस की डेफिनेशन में लिखा ये हुआ है, इट इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस या वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन सरफेस. तो ये बेसिकली लेंस है. अब लेंस के फर्दर आगे टाइप्स हैं. लेंस के टाइप में पहले टाइप का लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है या फिर कन्वर्जेंट लेंस है, और जो दूसरा लेंस है वो कनकेव है या डाइवर्जेंट है. कन्वेक्स लेंस की फर्दर तीन कैटेगरीज हैं. पहली डबल कन्वेक्स लेंस है. ये डबल कन्वेक्स क्या होता है, पहली सरफेस भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कन्वेक्स है और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी कन्वेक्स है. तो कन्वेक्स और कन्वेक्स क्या बनेगा, डबल कन्वेक्स. दूसरी सरफेस दूसरा कन्वेक्स लेंस कौन सा है, प्लेनो कन्वेक्स. तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है, प्लेन ग्लास, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है, कन्वेक्स. तो क्या बन गया, प्लेनो कन्वेक्स हो गया. नेक्स्ट है कनकेवो कन्वेक्स. नाम से पता लग रहा है एक सरफेस कनकेव है और दूसरी कन्वेक्स है. उसी तरीके से कनकेव लेंस है. कनकेव लेंस में क्या है, पहला डबल कनकेव, पहला सरफेस कनकेव, दूसरा सरफेस कनकेव. दूसरा टाइप का लेंस, पहला सरफेस प्लेन, दूसरा सरफेस कनकेव. तीसरा पहला सरफेस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव. तो ये पॉइंट क्लियर है. तो अब हम इन छह लेंसेज के डायग्राम भी देखेंगे और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ताकि हमें पता लगे एग्जैक्टली सभी लेंसेज में डिफरेंस है क्या. क्लियर है यहाँ तक. लेंस स्टार्ट करने से पहले ये इनकी शेप्स गिवन है. पहली कौन सी, कौन सा लेंस है, बाई कन्वेक्स. बाई कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स एक ही बात होता है. तो बाई कन्वेक्स डबल कन्वेक्स एक ही बात है, जिसके अंदर ये जो सरफेस है कन्वेक्स है और ये सरफेस भी कन्वेक्स है, जिसके अंदर प्लेनो कन्वेक्स में पहली सरफेस प्लेन है और दूसरी सरफेस कन्वेक्स है. समझ रहे, कन्वेक्स कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो हमने लास्ट टाइम की थी. ठीक. नेक्स्ट है कनकेवो कन्वेक्स. पहली सरफेस कनकेव है, सॉरी कन्वेक्स है, दूसरी सरफेस क्या है, कनकेव है. और उसी तरीके से दोनों कनकेव है तो क्या नाम है लेंस का, बाई कनकेव है. और प्लेनो कनकेव में एक प्लेन है और एक कनकेव है. और नेक्स्ट में ये आपका कन्वेक्स है और ये आपका कनकेव है, कन्वेक्स कनकेव है. तो इनकी शेप्स हैं. ज्यादातर अगर आप इन दोनों लेंस की बात करते हो तो इन दो लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाम से बिल्कुल क्लैरिटी है. बाई कन्वेक्स का मतलब दोनों कन्वेक्स है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाई कनकेव का मतलब दोनों कनकेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं. प्लेन है कन्वेक्स है, प्लेन है कनकेव है. असली जो प्रॉब्लम आती है वो इनमें आती है, कनकेवो कन्वेक्स और कन्वेक्सो कनकेव. एक तो इनको नाम एक जैसे हैं, पहली प्रॉब्लम. दूसरी इनकी शक्ल भी एक जैसी है, ये देखो बहुत अंतर नहीं है इनमें, ये देखो
एक जैसे ही है, एक में कट ऐसा है, एक में कट नहीं है ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन का कट है, देखो इसमें ऊपर है इसमें है नहीं, बस इतना सा फर्क है। लेकिन टेक्निकली कुछ फर्क है इनमें, मैथमेटिकली भी फर्क है, मैं बताता हूँ वो फर्क क्या है। तो इन पहले चार किस्म के लेंसेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है यहाँ तक। तो अब लेंस बना कैसे, इसको ध्यान से देखना। आपने दो किस्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेनी है, दोनों ग्लास की बनी हुई है। सपोज ये पहली सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, तो इसमें दो किस्म की ग्लास सरफेस हैं। तो अगर ये मान लो ओवरलैपिंग मैं इनको कर दूं ग्लासेस को, तो बीच में कॉमन पोर्शन देख रहे हो, ये इस ग्लास का कन्वेक्स सरफेस है, ये इस ग्लास का कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स कन्वेक्स मिला के क्या बना, बाइकन्वेक्स। ये भी अच्छा तरीका है समझने का। दूसरा तरीका, ये आपका एक पूरा ग्लास सरफेस है, ये आपका एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन और ग्लास के कॉम्बिनेशन को बाहर निकाल लो, क्या बनेगा, प्लेनो कन्वेक्स। दो, तीसरा असली ये है, एक आपका जो सरफेस है R1 है ना, R1 ये एक बड़ा सरफेस है, ये R1 एक बड़ा ग्लास है, जो R2 है वो ओवरलैपिंग ऐसे, ये R2 है, दो ग्लास सरफेस के अंदर एक है, जो कॉमन पोर्शन ये जो निकलेगा इसमें, ये क्या है, कनकेव है और ये क्या है, कन्वेक्स है, देख रहे हो, इसको बाहर निकाल लो, इस शेप को क्या नाम देंगे, कंकेव कन्वेक्स। समझ में आया यहां तक, पहली सरफेस क्या है, कंकेव है और दूसरी क्या है, कन्वेक्स। निकला कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली स्लाइड में तो मैं आपको बता रहा था कि ये देखो ऐसा शक्ल होती है, याद कर लो, इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको, बना कैसे। तो कैसे बना, एक स्फेयर ग्लास के अंदर एक और स्फेयर का ग्लास क्लब बना हुआ, स्फेयर को फिट कर दिया थोड़ा बाहर निकाल के। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें ये जो आर्मन देख रहे हो, आर्मन रेडियस बड़ा स्फेयर है, बड़ा स्फेयर का नेचर क्या है बताओ, कनकेव है, ये कनकेव है, और छोटा स्फेयर R2 है, इसका नेचर क्या है, कन्वेक्स है। तो किसका रेडियस बड़ा है, कनकेव का कि कन्वेक्स का, कनकेव का बड़ा रेडियस है और कन्वेक्स का छोटा रेडियस है, मैंने लिखा हुआ है नीचे, इसमें R2 कन्वेक्स का छोटा है और R1 कनकेव का बड़ा है। तो क्या याद करना है, एक तो इसकी शक्ल याद करनी है, और ये बना कैसे, ये बना कनकेवो कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन है एक। दूसरा ये याद करना है, ये किस कैटेगरी का लेंस है, क्योंकि दोनों में कनकेव भी आ रहा है और कन्वेक्स भी आ रहा है, दोनों नाम आ रहे हैं, पर ये किस कैटेगरी का लेंस है, कन्वेक्स की कैटेगरी स्टडी की जा रही है, तो ये कन्वेक्स की कैटेगरी का लेंस है, कनकेव की कैटेगरी का लेंस नहीं है, इसकी नेचर कन्वर्जिंग होगी, ठीक, डाइवर्जिंग नहीं होगी। तो ये तीन किस्म के लेंस मैंने बताया आपको, कन्वेक्स के, बाई कन्वेक्स ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, कनकेवो कन्वेक्स, चाहे नाम कनकेव आ रहा है लेकिन किस कैटेगरी के अंडर आता है, कन्वेक्स। तो ये क्या है बेसिकली, ये भी कन्वर्जिंग है, क्लियर है यहां तक। तो इसमें क्या याद करना है, जो कन्वेक्स लेंस है उसका रेडियस छोटा होगा और कनकेव का बड़ा होगा, ये तीन पॉइंट्स याद करने हैं। यूज कैसे करना है आज के न्यूमेरिकल में सिखाऊंगा और रिवाइज भी करवाऊंगा। एक इसको देख लें एक मिनट के लिए, ये आपका कनकेव लेंस की कैटेगरीज है,
देखो जो कनकेव लेंस है, देखो कनकेव लेंस कैसे बना, कनकेव लेंस के अंदर दो स्फेरिकल सरफेस हैं, दो स्फेरिकल सरफेस को आमने सामने रख दिया, ये रेयरर हैं, बीच में डेंसर मीडियम डाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया, ये क्या है कनकेव, ये क्या है कनकेव, तो क्या बना बाई कनकेव। उसी तरीके से अगर एक ग्लास सरफेस है और एक प्लेन है, डेंसर मीडियम डाल दिया तो ये क्या बना कनकेव, ये क्या बना प्लेन, प्लेनो कनकेव। ये तो क्लियर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक बड़े स्फेयर के अंदर एक छोटा स्फेयर इंसर्ट कर दिया, बाहर नहीं निकाला, उसमें बाहर निकाला था, इसमें अंदर ही डाल दिया और बीच में एक डेंसर मीडियम डाल दिया। जब बीच में डेंसर मीडियम डाला तो पहली सरफेस क्या है कनकेव, दूसरी सरफेस क्या है कन्वेक्स, उसमें भी तो ऐसा ही था, पहली सरफेस क्या थी कनकेव और दूसरी क्या थी, तो नाम से तो ये तो नाम तो रखने की बात है, आप अगर ये सोच रहे हो कि पहली सरफेस क्योंकि कनकेव है और दूसरी कन्वेक्स है तो नाम कनकेवो कन्वेक्स होगा, तो ये तो रूल ही नहीं है, ये तो रूल ही फेल हो गया, क्योंकि पहली सरफेस अभी भी क्या है कनकेव, दूसरी कन्वेक्स, तो उस हिसाब से तो नाम होना चाहिए कनकेवो कन्वेक्स, पर नाम क्या है कन्वेक्स कनकेव, क्योंकि बनाने का तरीका डिफरेंट है। तो एक तो एक इसकी शेप याद करो, इसकी शेप ऐसी है, उसकी शेप में ये कट नहीं था, लाइन नहीं थी, इसकी शेप में ये कट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो R2 है ना, ये जो पूरा स्फीयर है छोटे वाला, ये क्या है कनकेव है, कनकेव है, जो कनकेव है इसका रेडियस इसमें छोटा है, और ये जो है ये क्या है कन्वेक्स, इसका रेडियस क्या है यहाँ पर बड़ा है, जो कि उसमें उल्टा था। ये देखो, इसमें कनकेव का रेडियस छोटा है और कन्वेक्स का रेडियस बड़ा है, उसमें क्या था कन्वेक्स का रेडियस छोटा है और कनकेव का, बस ये रेडियस की वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते, आप इसके अंदर बस ये याद कर सकते हो, दो चीज़ें कर सकते हो। पहला तरीका जो आपने याद करना है, अगर लेंस का नाम कनकेवो कन्वेक्स है और उसकी शक्ल ऐसी है तो इसका मतलब वो कन्वेक्स की कैटेगरी का लेंस है, और अगर शक्ल ऐसी है ऊपर कट लगा हुआ है तो वो कन्वेक्स हो कनकेव है, और वो किस कैटेगरी का लेंस है कनकेव की कैटेगरी का लेंस है। दो डिफरेंस। तीसरा मेजर डिफरेंस जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा, शक्ल देख के कुछ नहीं हो सकता, आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर कन्वेक्स की कैटेगरी का कनकेवो कन्वेक्स लेंस है तो आर टू जो कन्वेक्स का सरफेस होगा उसका रेडियस छोटा होगा, कनकेव का बड़ा होगा, और इस लेंस में जिसपे कट लगा हुआ है कन्वेक्स हो कनकेव, उसमें कनकेव का रेडियस छोटा होगा और कन्वेक्स का बड़ा होगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये लेंस की कैटेगरीज हैं। हालांकि वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जो मेन जो लेंसेज यूज होते हैं वो पहले दो ही होते हैं, ये तो मैंने हार्डली कभी देखा ही नहीं यूज होता हुआ, पर मैंने अपने असाइनमेंट में एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है जिसमें आपको बता सकूं कि कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, सिर्फ इसलिए कि कल को अगर आ जाए एटलीस्ट हमें पता होगी करना कैसे है। वैसे ये पहले चार किस्म के लेंसेज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लेंस की इंट्रोडक्शन है, और नेक्स्ट देखते हैं।